कहाँ से चल के आए भाई? हम मुंगेर से चल के आए हैं। मुंगेर से चल के यहाँ पे कफन लेके पहुँच गए। कफन लेके पहुँचे क्योंकि हमको लगा जब वहाँ के क्षेत्रीय पत्रकार ईमानदार पत्रकार को 5 गोलियाँ मारी जा सकती है, तो हम तो 100 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, तो अपना व्यवस्था लेकर अच्छा, क्यों ना चले। एक बात बताइए रवि भाई, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। और उनको अभी तक न्याय नहीं मिलता है तो दुर्भाग्य है। यही वो जगह है जहाँ पर गोकुल यादव जिसको 5 गोलियों से मारा गया था, तड़प कर मारा गया था। और यहाँ पर एक पत्रकार जो है बड़ी दूर से आए हैं और पर्दाफाश न्यूज के पत्रकार हैं, और ये कफन ओढ़कर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। ये कफन इसलिए ओढ़े हैं कि आने वाले समय में इनको मार दिया जाएगा तो इनकी आत्मा भटकेगी, कफन नहीं रहेगा। तो ये कफन ओढ़कर एक अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चेहरा दिखाएंगे अपना? चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि इनको डर है कि आने वाले समय में इनको भी मारा जाएगा, और जब इनको मारा जाएगा तो इनको कफन नहीं नसीब होगा, इसलिए इनकी आत्मा भटकेगी। इसीलिए आत्मा न भटके, इसीलिए ये कफन जो है ओढ़कर बैठ। ये बताइए कि एक पत्रकार की इसी जगह पे हत्या हो गई जी, और आप दूसरे ईमानदार और प्रतिष्ठित पत्रकार होने के नाते यहाँ पे कफन लेके क्यों बैठे? क्या बैठे हैं? इसका वजह है कि हम भी ईमानदार हैं, और इसलिए किसी भी दिन कहीं भी गोली मार दिया जा सकता है हमको भी, इसलिए कफन अपना साथ लेके चले हैं। और यहाँ बैठ के हम चुनौती देते हैं उन तमाम अपराधियों को कि वो आए और हम भी ईमानदार हैं, हमको एक गोली मार के दिखाए तो हम जाने। यानी कि अपराधियों का आप यहाँ से खुला चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे एक गोली मार के दिखा दे? जी बिल्कुल, तो चैलेंज नहीं है इस बात की? बिल्कुल डर नहीं है। हो जाएगी? बिल्कुल डर नहीं है। कब तक बैठे रहोगे भाई? जब तक इनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक। आपको पता है कि 10 बजे दिन में जिस गरीब पर गोली मारी गई, बिल्कुल 5 गोली 5 बजे दिन में यह 5 गोली मारी गई। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसी स्थान पे गोकुल यादव जी की 5-5 गोली मार के हत्या कर दी गई थी। एक पत्रकार कफन ओढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी मारे जाएंगे, आप भी मारा जाइए। और बाकी उस बेलगाम अधिकारी को, अपराधियों को क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? उन बेलगाम अपराधियों को हम चुनौती देना चाहते हैं। हम 100 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। कहाँ से चल के आए भाई? हम मुंगेर से चल के आए हैं। मुंगेर से चल के यहाँ पे कफन लेके पहुँच गए? कफन लेके पहुँचे क्योंकि हमको लगा जब वहाँ के क्षेत्रीय पत्रकार ईमानदार पत्रकार को 5 गोलियाँ मारी जा सकती है, तो हम तो 100 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, तो अपना व्यवस्था लेकर क्यों ना चले। एक बात बताइए रवि भाई, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि इसके अगल बगल में 2 किलोमीटर के अंदर में कोई घर तक नहीं है? जी बिल्कुल पता है। तो फिर यहाँ पे क्यों बैठो भाई? यहीं पे ये घटना स्थल है। क्या लगता है रवि भाई कि इनको प्रशासन बचा पाएगी? जो निकम्मी प्रशासन यहाँ पर बैरिकेड नहीं कर पाए, वो निकम्मी प्रशासन इनको क्या बचा पाएगी? पिछले 4 घंटे से बैठे हैं, अब तक प्रशासन एक डंडाधारी भी यहाँ पे नहीं आया है, तो क्या गोली मारेगा रात में तो बचा पाएगा? जो मर गया है, जो पत्रकार शहीद हो गए हैं, उनके घर पर वो निकम्मी प्रशासन एक सुरक्षा गार्ड नहीं नियुक्त करवा पाई है, तो इनका सुरक्षा क्या खाक करेगी? इसीलिए एक कफल लेकर आए हैं। और ईमानदार पत्रकार को 5 गोली मारी गई थी, और इनको भी पता है कि आने वाले समय में गोली मारी। एक बात बताइए, प्रशासन के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन के जो बिहार के प्रशासन है, वो प्रशासन नहीं कुशासन के तौर पे चल रहे हैं। उनकी लापरवाही से ही ये सारी चीज हुआ है। एक बात बताइए आप सभी लोग कि जो पीतल इन ईमानदार पत्रकार के 5 पीतल शरीर में भोंकी गई, डाली गई, वो पीतल क्या हमारे आपके घर में बनता है? वो तो कहीं निर्धारित जगह पे बनता है ना, तो फिर इन अपराधियों के पास कैसे आया? प्रशासन की लापरवाही है ना जो इन अपराधियों के पास वो पीतल आया।